कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है अपने आखिरी पड़ाव पर मुंबई में है इस वक्त और यहीं पर इस यात्रा का समापन होगा। इसी क्रम में राहुल गांधी की ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है ये यूपी के कई जिलों में भी गुजर कर आगे बढ़ी, लेकिन बड़ी बात यह है कि यूपी जैसे बड़े राज्य में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने काफी कम समय में इस यात्रा को विराम दिया। लेकिन इस यात्रा का कितना असर हुआ, 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है वो चुनाव में बेहतर करेगी, क्या इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन में कोई सुधार होगा, इन सब मुद्दों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से खास बातचीत की हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा ने। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियां जो है लगातार तैयारी जुटी हुई है, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी की बात की जाए या फिर इंडिया गठबंधन की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। और अगर आज की बात की जाए तो आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा, आज का दिन विशेष है, आज के बाद आचार संहिता जो है वो भी लागू हो जाएगी। कैसे देखते हैं, क्या कांग्रेस की तैयारी है? निश्चित हमारी तैयारी मजबूती के साथ है। हमारे सभी 80 जिले पे हमारे कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त हो गए हैं, लोग काम कर रहे हैं, बीएलओ से लेकर बूथ स्तर पर हमारा काम हो रहा है, ट्रेनिंग्स भी हमारी शुरू होने वाली हैं और बड़ी मजबूती से हमारी तैयारी हम लड़ेंगे। सर, राहुल गांधी की यात्रा जो है उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा चली और कल जो है उसका अंतिम दिन है, कल यात्रा का समापन होगा। क्या लग रहा है, राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में क्या कुछ असर दिखा पाई है? पूरे देश के अंदर उस यात्रा का असर होने वाला है। जब आपने देखा कि कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा हुई तो उसमें चीजें कितनी मजबूती के सामने आई। एक आम आदमी, साधारण आदमी जो जिसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, जिसको अपनी बात कहने के लिए नेताओं के आगे पीछे घूमना है, उन सभी लोगों की बात राहुल जी ने उठाया। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, 16 तारीख को एंट्री होती है यात्रा की चंदौली से, 17-18 को पुलिस भर्ती का जो है पेपर होता है और उस पेपर पता चलता है कि वो पेपर लीक कर गया। राहुल जी इलाहाबाद आते हैं, इलाहाबाद से जैसे ही स्टार्ट होती यात्रा उन्हीं बच्चों ने अपनी बात उठाई, राहुल जी तक बात पहुंचाई, राहुल जी ने उस बात को उठाया। प्रचार में बेहद ही कम समय बचा हुआ है। विपक्षी इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब से जनसभाएं शुरू होंगी। जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, अगर अखिलेश यादव की बात की जाए, राहुल गांधी की बात की जाए, प्रियंका गांधी की, कब एक साथ जो है संयुक्त रैलियां या जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे? नहीं, बिल्कुल हमारी चीजें जल्द से जल्द आए, अनाउंस होने दीजिए चुनाव, सभी चीजें आपके सामने ला दी जाएंगी और सब लोग मिलकर एकजुटता के साथ चुनाव प्रचार करेंगे। एक आखिरी सवाल लेना चाहिए, प्रत्याशियों की जो घोषणा है सूचियों की, उनके नाम की, उसके लिए अभी और कितना इंतजार करना है? बहुत जल्द आपको सूचना मिल जाएगी, मजबूत जो है सूची आपको मिलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस पूरी तरह तैयार है और जल्दी जो है वो सूचियों का घोषणा भी हो जाएगी। कैमरा पर्सन अवनीश के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज 1 इंडिया, लखनऊ।